हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री ऑफ सिविल एंड मैकेनिकल सेकेंड सेमेस्टर। आई एम प्रोफेसर स्वाति इंगड़े फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है मेटल्स अलॉय सीमेंट लाइम रिफ्रैक्टरी मटेरियल। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिटेल में जानकारी स्टडी करेंगे। आज का इस यूनिट का हमारा ये पहला वीडियो है जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेटलर्जी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कोर्स आउटकम। तो ये जो यूनिट है इसका मैकेनिकल सिविल ब्रांच के लिए कोर्स आउटकम है सिलेक्ट द रिलेवेंट मेटलर्जिकल प्रोसेसेस रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट्स को मेटल्स में आयरन कॉपर इन मेटल्स का ज़्यादा काम होता है, ठीक है। तो इन मेटल से रिलेटेड जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है कि कैसे ये मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या है, उसको कैसे प्योरीफाई किया जाता है, उसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम इस यूनिट से जानकारी लेने वाले हैं। लर्निंग आउटकम, आज के इस वीडियो से आप क्या समझेंगे? The students will be able to understand the basic concepts of metallurgy. Metallurgy का प्रोसेस समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। क्विक रिव्यू ऑफ प्रीवियस टॉपिक, इसके पहले हमने जो यूनिट पढ़ा है उसका नाम था वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट एंड एनालिसिस। उसमें हमने वाटर से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें जो है वो डिटेल में स्टडी की हुई है। तो अब हम हमारे इस यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी के, तो बढ़ते हैं और देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है मेटल्स। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मेटल्स जो है उसको हम इंजीनियरिंग मटेरियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स आर हेविली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है डिफरेंट मशीनरीज़ बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट मतलब जो गाड़ियाँ होती है वो बनाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो मेटल्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाउ मेटल्स ऑकर, ये मेटल हमें मिलते कहाँ से हैं? तो मेटल्स जो होते हैं वो हमें मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से। अर्थ क्रस्ट मतलब ज़मीन के अंदर से। अब ज़मीन के अंदर से जब हमको मेटल मिलते हैं तो वो मेटल्स जो है वो दो स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। या तो वो प्रेजेंट हो सकते हैं नेटिव स्टेट में, मतलब जैसे गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, ये मेटल्स जो होते हैं ये इनमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी नहीं होती। ये ज़मीन के अंदर से जब मिलते हैं तो मैक्सिमम वो 99% प्योर ही होते हैं, तो उसको कहा जाता है नेटिव स्टेट। और लेकिन कोई कोई जो मेटल होते हैं जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये मेटल जो है ये प्योर फॉर्म में ज़मीन के अंदर से नहीं मिलते, ये किसी दूसरे चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। जैसे आयरन करके नहीं मिलेगा ज़मीन के अंदर से, वो मिलेगा आयरन ऑक्साइड करके। कॉपर जो है वो कॉपर प्योर कॉपर करके नहीं मिलेगा, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉपर ऑक्साइड या कॉपर सल्फेट करके मिलेगा, तो उसे कहा जाता है कंबाइंड स्टेट, ठीक है। देन नेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बता सकती हूँ ये इलस्ट्रेशन से। नेटिव स्टेट का मतलब होता है मेटल्स ऑकर इन देयर एलिमेंट्री प्योर फॉर्म। फॉर एग्जांपल द इनएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम, मैंने अभी अभी बात की थी। और कंबाइंड स्टेट का मीनिंग होता है कि मेटल्स दैट हैव कंबाइंड विथ एयर मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑकरिंग एज अ कंपाउंड ऑफ ऑक्साइड कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। आप ये इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं कि नेटिव स्टेट मतलब मेटल अकेला रहेगा, वो प्योर फॉर्म में रहेगा, किसी दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं रहेगा। लेकिन ये एनिमेशन में आप देखिए कि मेटल है, अगर वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में रहेगा, CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा, तो इस स्टेट को कहा जाता है कंबाइंड स्टेट। देन अब हम समझते हैं व्हाट इज़ मीन बाय मिनरल। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो हम देखने वाले हैं। तो ज़मीन के अंदर से जब भी हमको मेटल मिलता है और वो मेटल अगर कंबाइंड स्टेट में होता है या नेटिव स्टेट में होता है तो उसे कहा जाता है मिनरल,
उसे क्या कहा जाता है, मिनरल। जैसे ये हमारी अर्थ की क्रस्ट है, आप ये इसमें देख सकते हैं, खदानें होती है, ज़मीन को खोदा जाता है और ज़मीन के अंदर से जो है वो हमें मेटल्स जो है वो मिलते हैं। तो ज़मीन के अंदर से मिलने वाली हर वो चीज़ जिसमें मेटल या तो फ्री स्टेट में हो सकता है, मतलब प्योर फॉर्म में हो सकता है, या फिर कंबाइंड स्टेट में, मतलब ऑक्साइड के फॉर्म में, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड्स के फॉर्म में हो सकता है, तो उसे कहा जाता है मिनरल। उसे क्या कहेंगे, मिनरल, ठीक है। देन दूसरी डेफिनेशन हमारी जो है वो है ओर। देर इज़ अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। मिनरल में भी मेटल होता है, ओर में भी मेटल होता है, तो फिर इनको दो अलग अलग डेफिनेशन क्यों कहा गया? तो ओर का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। ऐसा मिनरल जिसमें से हम मेटल को इकोनॉमिकली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ज़मीन के अंदर से हमें सपोज़ दो मिनरल मिले हैं, दोनों मिनरल में आयरन प्रेजेंट है, एक सपोज़ है आयरन ऑक्साइड और एक सपोज़ है आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर हम उसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा मेन एम वही है कि हमें उसमें से ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड नहीं चाहिए, हमें आयरन चाहिए। तो जब हम आयरन हाइड्रोक्साइड से आयरन को निकालते हैं तो हमें 50% आयरन मिलता है, और अगर हम आयरन ऑक्साइड से आयरन को निकालते हैं तो हमें 90% आयरन मिलता है। तो बताओ इसमें से दोनों में से कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल और इकोनॉमिक रहेगा, आयरन हाइड्रोक्साइड कि आयरन ऑक्साइड? यस, आयरन ऑक्साइड, क्योंकि आयरन हाइड्रोक्साइड से हमने इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ हमें 50% जो है वो आयरन मिल रहा है, लेकिन आयरन ऑक्साइड में हमें 90% आयरन मिल रहा है। तो मिनरल दोनों हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड भी मिनरल है, आयरन ऑक्साइड भी मिनरल है, लेकिन अगर आपको पूछते हैं कि और कौन है, और ORE और कौन है, तो उसका जवाब रहेगा आयरन ऑक्साइड, क्योंकि उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा इकोनॉमिक और प्रॉफिटेबल होता है। देन तो हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, द मिनरल बॉक्साइड, ठीक है। बॉक्साइड आप लोगों ने सुना होगा, ये एल्यूमिनियम जो है हमें, जो मेटल है वो हमें बॉक्साइड से मिलता है। एल्यूमिनियम मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट इकोनॉमिकली, तो ये जो कुछ भी बॉक्साइड मिनरल है इसको हम एल्यूमिनियम का ओर बोलते हैं। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये इस तरह से होता है, शाइनिंग होता है, और फिर इसके ऊपर बहुत सारी प्रोसेस की जाती है जिसको मेटलर्जी प्रोसेस बोला जाता है, और उस बॉक्साइड में से फिर किसे बाहर निकाला जाता है, एल्यूमिनियम को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप लोग समझ लीजिए, सम इम्पॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर। जैसे कि अभी हमने आयरन की बात की, तो आयरन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो आयरन मेटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो ओर होता है, मतलब ज़मीन के अंदर से ये कौन से फॉर्म में मिलता है, बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ पे हमने एक एक एग्जांपल लिया है। तो इसका जो ओर है वो है हीमाटाइट, उसका नाम है हेमाटाइट, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3। देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल हमें कौन से ओर से मिलता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट का फॉर्मूला है Al2O3 2H2O, ठीक है। देन तीसरा जो मेटल है कॉपर, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कॉपर की बहुत ही अच्छी होती है। इसका जो ओर है उसका नाम है क्यूपराइट, क्यूपराइट का फॉर्मूला है Cu2O, क्यूपराइट का फॉर्मूला है Cu2O। देन कैल्शियम, कैल्शियम इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेटल, तो इसका जो ओर है उसका नाम होता है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का फॉर्मूला है CaCO3। देन मैग्नीशियम मेटल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ओर मैग्नेसाइट, जिसका फॉर्मूला है MgCO3। यहाँ पे ये जो सारे ओर हैं, ये इसमें मेटल जो है वो कंबाइंड फॉर्म में है, मतलब अकेला नहीं है। जैसे यहाँ पे आयरन, आयरन ऑक्साइड बन के है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में है, मैग्नेसाइट में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हो गए हैं कुछ एग्जाम्पल ओर के, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के। देन मेटलर्जी, अब ज़मीन के अंदर से तो हमने मिनरल बाहर निकाल लिए, हमने ये आइडेंटिफाई भी कर लिया कि कौन सा मिनरल और रहेगा, मतलब किस में से हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिकली और प्रॉफिटेबली। लेकिन जिस प्रोसेस से, जिस कंप्लीट प्रोसेस से हम उस और में से मेटल को बाहर निकालते हैं, उस कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटलर्जी। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम ओर
ओर के ऊपर एक लंबी चौड़ी प्रोसेस की जाती है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होती हैं और फिर हमको मेटल मिलता है, तो उस कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी। इसमें कौन से ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, तो सबसे पहले स्टेप को कहा जाता है क्रशिंग, क्योंकि ज़मीन के अंदर से तो जो मिनरल या ओर होता है बड़े बड़े पत्थरों के फॉर्म में होता है, तो उसको तो डायरेक्ट प्रोसेस नहीं कर सकते, पहले उन सारे पत्थरों को तोड़ फोड़ करके उसको छोटा छोटा बनाया जाता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है क्रशिंग। देन दूसरा जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा प्रोसेस जो है उसे क्या कहा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि मैक्सिमम जो इम्प्यूरिटीज़ होती है, अर्दन इम्प्यूरिटी जिसको हम बोलते हैं, ज़मीन की जो इम्प्यूरिटी है, धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर सैंड मतलब रेत जो उसमें मिली हुई होती है, उसको हटाने का काम जो है वो कौन से स्टेप में किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस में किया जाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ रिडक्शन। ये मेटलर्जी की सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है, क्योंकि इस स्टेप में से ही मेटल जो है वो ओर में से बाहर निकलता है, तो उस स्टेप को कहा जाता है रिडक्शन। एंड लास्ट स्टेप इज़ रिफाइनिंग। ठीक है, वैसे तो हमने बहुत सारी इम्प्यूरिटी कॉन्सेंट्रेशन स्टेप में ही हम निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी जो बची कुची इम्प्यूरिटी होती है वो कौन से स्टेप में निकाली जाती है, रिफाइनिंग स्टेप में। तो एक क्विक रिव्यू हम सारे स्टेप्स का जो है वो कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है उसे कहते हैं क्रशिंग। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि ज़मीन के अंदर से जब भी कोई मिनरल या ओर मिलता है तो बड़े बड़े पत्थरों के फॉर्म में होता है, बहुत ही लार्ज लार्ज पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, अब उसके ऊपर प्रोसेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो क्या किया जाता है, जॉ क्रशर नाम की मशीन होती है। ये इलुस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि इस तरह से जॉ क्रशर की मशीन होती है, उसमें ओर को डाला जाता है और ओर जो है वो उसमें क्रशर में से क्रश होके उसके छोटे 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 टुकड़े जो है वो किए जाते हैं, इस प्रोसेस को क्रशिंग कहा जाता है। देन दूसरा स्टेप जो है उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा स्टेप जो है उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन में उसमें जो ओर में जो भी अर्दन इम्प्योरिटी होती है उसको हटाया जाता है, तो ओर में ये जो अर्दन इम्प्योरिटी होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मतलब धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर रेत ये जो सारी चीज़ें जो ज़मीन की इम्प्योरिटी है इनको कहा जाता है गैंग। इनको क्या कहा जाता है, गैंग। तो ये गैंग को हटाने का काम कौन से स्टेप में किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जो है प्रोसेस जो है वो करने के अलग अलग मेथड्स हैं, कुछ केमिकल मेथड्स हैं कुछ फिजिकल मेथड हैं। ठीक है, तो ये जो ये इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये क्रश्ड ओर है और इसमें थोड़ा थोड़ा क्या प्रेजेंट है, गैंग प्रेजेंट है। ठीक है, और मेटल भी प्रेजेंट है, तो हमें कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस में इस गैंग को क्या करना है, हटाना है। देन फिज़िकल प्रोसेस मैंने अभी अभी बताया कि कुछ फिज़िकल प्रोसेस होते हैं और कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं, तो एक हम फिज़िकल कॉन्सेंट्रेशन की प्रोसेस देख लेते हैं। द वाटर इज़ रन थ्रू द क्रस्ट और पार्टिकल्स ऑन द स्लोप। इसको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड बोला जाता है। ये इलुस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि इस तरह से कास्केड होता है, कास्केड मतलब बहुत सारे स्टेप 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 स्टेप्स होंगी। ठीक है, उसके बिल्कुल टॉप पे जो है वो ओर को रखा जाता है और वहाँ से पानी को बहाया जाता है। अब पानी को बहाने की वजह से क्या होता है, मेटल जो है वो पानी के साथ बह के जो कुछ भी है, मेटल जो है वो भारी भरकम होने की वजह से, आप लोगों को पता है मेटल बहुत ज़्यादा भारी होता है, तो ये स्टेप्स में से जब वो बह बह के आता है तो मेटल भारी होने की वजह से हर स्टेप पे कुछ ना कुछ मेटल जो है वो सेपरेट हो जाता है। लेकिन ये जो अर्दन इम्प्योरिटी है मतलब उसमें धूल है मिट्टी है कंकड़ है पत्थर है रेत है, ये हल्की होने की वजह से ये पानी के साथ बह के कहाँ पे आ जाता है, नीचे में आ जाता है। तो इस तरह से हम मेटल और गैंग को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और इस मेथड में हमने ग्रेविटी का प्रिंसिपल अप्लाई किया है, क्योंकि मेटल का वज़न ज़्यादा होता है और इम्प्योरिटी का वज़न कम होता है, तो वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो स्टेप्स के ऊपर सेटल डाउन हो जाएगी। इस मेथड को कहा जाता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ठीक है, देन ये तो फिजिकल मेथड हो गई। अब केमिकल कॉन्सेंट्रेशन मेथड, दो मेथड होते हैं, एक होता है कैल्सिनेशन प्रोसेस और एक होता है रोस्टिंग प्रोसेस। तो ये क्या है वो शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो ओर पार्टिकल्स आर मिक्स्ड विद द कोल एंड हीटेड इन ओपन। ओर को जो है वो कोल के साथ कोयले के साथ मिलाया जाता है और उसको ओपनली हीट किया जाता है।
मॉइस्चर, कार्बन, सल्फर एंड वोलाटाइल मैटर गेट रिमूव। अगर उस ओर में किसी भी प्रकार का मॉइस्चर है, हीट करने की वजह से मॉइस्चर हट जाएगा, देन अगर उसमें कार्बन प्रेजेंट है या सल्फर है या वोलाटाइल मैटर है तो वो भी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रोस्टिंग। तो ओपनली अगर हम उसको हीट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज रोस्टिंग, और अगर हम फर्नेस के डोर्स एंड विंडोज क्लोज करके उसको हीट करते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। ठीक है, तो रोस्टिंग के समय पे हमें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीटिंग करना पड़ता है, और कैल्सिनेशन के इसमें हमें इन द अब्सेंस ऑफ एयर जो है वो हीटिंग करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस से भी हम, अगर हमारे मिनरल में या ओर में किसी भी प्रकार का गैंग है, मतलब अर्दन इम्प्योरिटी है, तो उसको हटा सकते हैं। देन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज़ रिडक्शन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि ये वो स्टेप होती है जिस स्टेप में ओर में से मेटल जो है वो एक्चुअली सेपरेट होता है। मतलब अगर हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं तो आयरन ऑक्साइड में से आयरन एक्चुअली कौन से स्टेप में सेपरेट होगा, तो रिडक्शन। आयरन ऑक्साइड में से आयरन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो रिडक्शन। इट इज़ द हीटिंग ऑफ द रोस्टेड ओर पार्टिकल्स इन दी फर्नेस। अलग अलग टाइप की फर्नेस जो है वो होती है, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की जो भट्टियाँ है होती है, तो यहाँ पे ये ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम बताया हुआ है। यहाँ पे इस तरह से ओर को ऊपर से डाला जाता है और फिर उसको हॉट एयर की मदद से हीटअप किया जाता है। देन मेटल जो है वो मेल्ट होके वजन भारी होने की वजह से नीचे आ जाएगा, और वो हम ये वाले सबसे नीचे वाले आउटलेट से मोल्टन मेटल को बाहर निकाल सकते हैं, और जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो स्लैग बनके जो है वो उसके ऊपर तैरने लगेगी, क्योंकि इम्प्योरिटी वजन में हल्की होती है, तो वो स्लैग भी हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, देन और लास्ट स्टेप जो होती है रिफाइनिंग। मैक्सिमम इम्प्योरिटी तो हटी जाती है, लेकिन फिर भी कुछ बचे कुछ इम्प्योरिटी हटाने के लिए रिफाइनिंग प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आफ्टर रिडक्शन द मेटल स्टील कंटेन कुछ स्मॉल इम्प्योरिटीज़। रिफाइनिंग इज़ द प्रोसेस टू रिमूव सच इम्प्योरिटी, द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस जो है ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ है। जब भी वहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड आता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि रिफाइनिंग जो है इट इज़ बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट हम वो उसमें से पास करेंगे, इम्प्योरिटी जो है वो वही रह जाएगी, और हमारा जो प्योर मेटल है वो कैथोड के ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो जाती है कौन सी प्रोसेस, मेटलर्जी की। तो बच्चों आज आपने क्या सीखा, आपने सबसे पहले सीखा कि मेटल्स जो है वो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, और ज़मीन के अंदर से मेटल्स जो है वो हमें दो फॉर्म में मिल सकते हैं, या तो प्योर फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं नेटिव स्टेट, या फिर वो मिल सकते हैं ऑक्साइड के फॉर्म में, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कम्बाइंड स्टेट। देन ज़मीन के अंदर से मिलने वाली हर वो चीज़ जिसमें मेटल होता है, आइदर इन द फ्री स्टेट और इन कम्बाइंड स्टेट, उसे कहा जाता है मिनरल। ठीक है, देन मिनरल में तो मेटल होता ही है, मिनरल में से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जिस मिनरल में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक और प्रॉफिटेबल होती है, उसी मिनरल को कहा जाता है ओर। उसी मिनरल को क्या कहा जाता है, ओर कहा जाता है। ठीक है, तो हमने एग्जांपल्स भी देखे डिफरेंट डिफरेंट ओर के। देन ओर से मेटल को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, उसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, एंड दैट कंप्लीट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज मेटलर्जी। मेटलर्जी जो है उसको ब्रॉडली अगर हम देखते हैं तो उसमें चार इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। सबसे पहली स्टेप होती है क्रशिंग, तो जो बड़े बड़े लम्स होते हैं उनको जॉ क्रशर में डाल के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज क्रशिंग। देन सेकेंड इज़ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस जो है उसमें हम वो जो ज़मीन के अंदर से मिली हुई ओर है उसमें बहुत सारी ज़मीन की इम्प्योरिटी होती है, धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, सैंड, जिसे कहा जाता है गैंग, जिसे क्या कहा जाता है गैंग। तो ये गैंग को हटाने का काम जो है वो हम कौन से प्रोसेस में करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के कुछ फिजिकल मेथड है, कुछ केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में कोई केमिकल नहीं यूज़ किया जाता, और केमिकल मेथड में जो है कुछ केमिकल रिएक्शंस जो है वो होते हैं।
द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज रिडक्शन. ये ऐसे स्टेप है जिसमें एक्चुअली ओर में से मेटल जो है वो बाहर निकलता है. ये प्रोसेस जो है ये फर्नेस में की जाती है, ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है रिडक्शन प्रोसेस, जिसमें मेटल जो है वो बाहर निकलता है. और लास्ट जो मेटलर्जी में स्टेप होता है दैट इज़ कॉल्ड एज रिफाइनिंग. मैक्सिमम इम्प्यूरिटी तो हटी जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ जो इम्प्यूरिटीज़ बची हुई है वो इम्प्यूरिटी जो है वो हम रिफाइनिंग प्रोसेस से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करके निकाल सकते हैं. तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो समझ में आया होगा. तो अब हम देखते हैं कि इसका असाइनमेंट आपको क्या सॉल्व करना है. सो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं समरी कि आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा. तो आज आपने पढ़ा ऑकरेंस ऑफ मेटल, कि मेटल नेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है, अर्थ क्रस्ट से मिलता है हमें. देन अर्थ क्रस्ट से मिलने वाली हर चीज़ जो है जिसमें मेटल होता है उसे मिनरल कहते हैं. जिस मिनरल से हम मेटल को इकोनॉमिकली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसे ओर कहा जाता है. और जिस प्रोसेस से हम ये मेटल को मिनरल से ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं उस प्रोसेस को मेटलर्जी प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें चार स्टेप होती है, क्रशिंग, कॉन्सेंट्रेशन, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग. प्रोग्राम आउटकम, आज के इस वीडियो से आप लोगों को मेटलर्जी प्रोसेस के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है और ये चीज़ें आपको लाइफ लॉन्ग लर्न रहने वाली है. असाइनमेंट, जो आज हमने पढ़ा सीखा वही हमारा असाइनमेंट रहेगा. तो हम असाइनमेंट में पढ़ेंगे नेटिव स्टेट, कंबाइंड स्टेट में ऑकरेंस ऑफ मेटल, देन मिनरल और किसे कहा जाता है वो आपको लिखना है. देन मेटलर्जी की प्रोसेस में जो क्रशिंग, कॉन्सेंट्रेशन, रिडक्शन और रिफाइनिंग स्टेप होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी लिखनी है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फर्नेस. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर. सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग. थैंक यू वेरी मच.